हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज सुबह ही एक बयान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मार्तोलिया जी का जो रिलीज हुआ था, जहां पर उन्होंने कहा कि हम एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड कायम किया है। यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी करके रिकॉर्ड कायम किया है। अब सभी परीक्षाओं में एक सप्ताह के अंदर ही परिणाम जारी होंगे। चयनित युवाओं को बहुत बहुत यहाँ पर बधाई। तो जैसे कि आपको पता है कि शाम होते होते उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिलीज हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड 5 दिन के भीतर सचिवालय रक्षक का जो है रिजल्ट जारी हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं मार्तोलिया जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में चर्चा की। कौन सी है वो चर्चा, उसके बारे में, उस पॉइंट के बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि परीक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का दौरा करेगी SSSC की टीम। जैसे कि पता है कि आपको रिसेंट भर्ती घोटाले में कुछ ऐसे जिले थे जहां पर अभ्यर्थियों के नाम सबसे ज्यादा आए थे, उनमें से आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहां पर जो है काफी यहां पर कैंडिडेट्स ऐसे पाए गए थे जो कि ऑलरेडी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे। यहां पर अध्यक्ष मार्तोलिया जी ने साफ साफ कहा है कि उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर का जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करेगी और उसके अलावा लंबित सभी परीक्षाओं को SSSC जो है जुलाई महीने तक पूरा कर लेगी। यानी कि ये 3 बड़े एग्जाम्स है जिसमें से एक एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया, बाकी बचे वंद्रो का और BDO BPDO का है। यानी कि BDO BPDO का जो 9 जुलाई को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को। जिस हिसाब से अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम सभी रिजल्ट जारी कर देंगे, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपको बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।